स्टूडेंट आ रहा है देखो वहाँ से, चलो रैकिंग करते हैं उसकी। फोन 80,000 का है, 80,000 का, इसमें तेरा पूरा घर जाएगा। या गीला है क्या रोहित भाई ने थोड़ा सा रोहित भाई ने थोड़ा सा इसका फोन चोरी हो गया है, उसका फोन भी चोरी हो गया है, ढूंढ रहे किसको मिलेगा। चैलेंज ये कि उस लड़की को नाम पूछ के आना है। गंदे नाले में गिरा देते साले। हेलो गाइस, मैं जिग्नेश रंजन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बड़े दिनों से व्लॉग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही आ रहे थे, पर अब थोड़े से व्लॉग में बढ़ोतरी होगी, मतलब व्लॉग थोड़े जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है हमारा लास्ट एग्जाम है। और मैंने सोचा क्यों ना लास्ट एग्जाम को एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि फिर व्लॉग नहीं बनेगा, मतलब कॉलेज जाने का सीन ही नहीं बनेगा। इंडिया सेकंड ईयर में एडमिशन होंगे तो उसके बाद देखिए तब जाएंगे, ठीक है, बाकी उसके बीच में तो जाएंगे नहीं, और अपने दोस्त लोग भी मिलेंगे नहीं ज़्यादा। तो हाँ, मैंने सोचा कि आज मस्त व्लॉग बना दिया जाए। हाँ, यही है कि इसलिए मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और बड़े दिनों से व्लॉग बना रहा, तो थोड़ी आदत भी छूट चुकी है कैमरे के सामने देखने की, तो इधर उधर जा रही नज़रें। तो हाँ, यही है, बाकी बढ़िया सी बारिश वारिश हुई है, थोड़ा थोड़ा गीला गीला हो रखा है, मौसम बहुत बढ़िया है, तो इस मौसम में व्लॉग तो बनता है, इसलिए व्लॉग बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी बालों पे ज़्यादा जाना मत, क्योंकि बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, मुझे पता है ये बात, तो और कटवाने भी हैं इनको, तो इसलिए तेल वेल डाल के जमाया है, फिर भी नोटिस कर रहे हो। चलो मिलते हैं कॉलेज में। गाइस, अभी हम आ चुके हैं कॉलेज, और साथ में लव भाई राजेंद्र, हाय बाय टाटा कुछ तो कर दो मेरे ब्लॉग में। हेलो भाई, हेलो जिंदगी अपनी। ओहो, मौसम बढ़िया हो रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी सब तरफ। साइंस कॉलेज है, कॉमर्स में भीड़ ही भीड़ हो रखी है। स्टूडेंट आ रहा है देखो वहाँ से, चलो रैकिंग करते हैं उसकी। क्यों राजेंद्र भाई, देखते हैं वो बोलता है नहीं बोलता कैमरे में, थोड़ा छुपा के रखते हैं नीचे मोबाइल, लगना ही चाहिए उसको चालू है। और कैसे चालू है ना, ये तो चालू ही रहता है। आप लोग देख सकते हो हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर का एग्जाम अभी खत्म हुआ है, और अभी हम फर्स्ट ईयर वालों का स्टार्ट होगा। गाड़ियाँ इतनी सारी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा ही है। इसका फोन चोरी हो गया है, उसका फोन भी चोरी हो गया है, ढूंढ रहे किसको मिलेगा। चैलेंज ये कि उस लड़की को नाम पूछ के आना है। लड़की से नाम पूछ के आ जा, ये देखो ये लड़की है, नाम पूछ के आ जा, तेरे को दे रहे हैं ना, तेरा फोन दे रहे हैं, नहीं मिला ले ढूंढ ले चक ले, क्योंकि मोबाइल इसके बैग में था, इसके साले थोबड़ा तेरा उतर गया था फोन तो नहीं मिलेगा, तो उतरे गई रे, मेरा काम ही अपना दिखा, ये क्या कर रहा है अभी भी, के पास एक रुपया नहीं है, खाना है इसको सब है, वड़ा पाव खाना है। उंगली किधर कर रहा था, इधर तेरी तरफ, किसी की कोई कमी है क्या, तू बे कर रहा है ना, ये कौन जाएगा अभी नाली में, समझा, नाली का मेरे को तो नहीं दिख रही, इतनी मशक्कत एक फोटो के लिए, खींच खींच फटाफट खींच, नीचे लंबे हो, नीचे बैठो, भगवान से नहीं मिलना अभी, टाइम है मिलने, टाइम है हमारे, नहीं मैं सामने शमशान तुम्हारे लिए गड्ढा खुद साले, आगे देख आगे देख, अरे साले स्कूटी खराब हो जाएगी इसकी, अंधा है क्या, ब्रेक कम आता क्या, ब्रेक तेरे को तो धीरे चला ना, तो इतनी हवा में क्यों उड़ रहा है, देख हाँ उड़ भी रहा है और उड़ा भी रहा है साला, भाई अभी प्यारा नहीं होना ऊपर, मेरे को इस गंदे नाले में नहीं गिरना, सेवाश्रम है, मरेंगे तो कुत्ते की मौत थोड़ी मरेंगे, शेर की मौत मरेंगे। ड्राइव कैसी लगी तुम्हें, बिल्कुल घटिया, क्यों क्या हुआ, वही यार कोई शब्द नहीं है, मेरे को गंदे नाले में गिरा देते साले, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हमने गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई, पर चलने वाले लोग तो कुछ ही बोलेंगे, हेटर्स लोग, ये हेटर्स लोग है साले, मोबाइल छुपा दिया, मैं ही बैठा था, हेटर लोग नहीं हम, मोबाइल छुपा दिया, उस वजह से ज्यादा व्लॉग भी नहीं बन पाया, मैं फेस कैम व्लॉग बना नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा जो भी है बन गया, बाकी एग्जाम अभी खत्म हो चुके हैं, और अभी राजेंद्र वो आ रहे हैं कॉलेज से चल के सेवाश्रम की तरफ, हम स्कूटी पे आ गए थे भाई की मेहरबानी से, खड़े हैं आप यहाँ पे, उनके साथ ज़्यादा बढ़िया रहता है, वापिस चले वापिस चले, मुझे ऐसा लग रहा है तू यहाँ नहीं रहता, तो एम सिस्टेंट के साथ रहता है, सट के लिए खोपड़ी है क्या, बारिश आ चुकी है गाइस, सारा काम इसी की वजह से हुआ, मेरे को पहले लेके आता
और हम राजेंद्र के साथ में होते हैं वहीं से बस में बैठ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे खड़े रहेंगे, यहाँ पे पहले ही लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं। कोई नहीं, कहीं कहीं तो मिल ही जाएगा। तो गाइस हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं आ चुका हूँ घर पे। और मैं तुम्हें एक मस्ती चीज बताता हूँ, आज 13 तारीख नहीं, आज 16 तारीख है। 13 तारीख को जब एग्जाम हो गया था और उसके बाद मैं जब निकला वहां से तो बारिश आ गई थी, तो मैं ज्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया। तो आज 16 तारीख है और मैं अपनी बुक जमा कराने जा रहा हूँ। बुक जमाने का कराने का सीन इसलिए क्योंकि कॉलेज से ही बुक मिली थी, कुछ पैसे जमा कराने पड़े थे, पर हाँ वहां से बुक मिल गई थी और बुक को फिर से देना है, तो वो अब अगले स्टूडेंट्स लोगों के काम आ जाएगी। ऐसा है कि 7 दिन बाद अगर आप जमा करा रहे हो तो आपको उसके ऊपर फाइन देना पड़ता है, 7 रुपए के हिसाब से फाइन लगता है हर दिन का। तो यही है कि अभी 7 दिन हुए नहीं, तो मैंने सोचा फटाफट से जाके बुक जमा करा देता हूँ। तो हाँ अभी मैं जा रहा हूँ बुक जमा कराने, 3 से 4 दिन हो गए, 7 दिन बाद फाइन लगता है। अभी फाइन लगना शुरू नहीं हुआ, 7 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद अगर 8वां दिन लगता है तो फाइन भी लगता है उसके साथ साथ में। तो हाँ यही सीन है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी बुक्स जमा कराने, फटाफट से चलते हैं क्योंकि अभी भी मैं पूरा गीला हूँ और मैं नहीं चाहता मैं और ज़्यादा गीला हूँ क्योंकि बारिश अब धीरे धीरे फिर से आ रही है। मैं अगर ब्लॉग ही बनाते रह गया यहाँ पे तो फिर से बारिश आ जाएगी, इसलिए फटाफट चलते हैं और कॉलेज में तुमसे मिलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं कॉलेज के अंदर और अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। अभी लेने वाला बुक 2 मिनट का 2 मिनट का काम, बुक देनी है, सॉरी देनी है। ये यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई, उधर आ गए। बैग को देखो, बैग को बिल्कुल हल्का हल्का बैग है ब्रो, इससे पहले तो भाई भयंकर हो रखा था। कैसा लग रहा है बैग हल्का देख के? एकदम भाई हल्का फुल्का। हमने बुक्स खरीदी थी पर हम लेके एक दो ही आते थे कॉलेज, तो आज कमर पे थोड़ा लोड पड़ा पर रिलीज भी बहुत जल्दी हो गया। तो ब्रो कॉलेज का काम हो चुका है और साथ में हमारे मच्छर ब्रो इधर 3 घंटे से लटका के रखा है हमको, 3 घंटे से। 3 घंटे से वैसे तो 10 बजे आ गया था मैं, अभी क्या टाइम हो रहा है? 12 बजे। अरे 10 बजे आया था, 12 बजे मैं आया हूँ और मेरा 10 मिनट का काम हो गया। मैं 10 मिनट के काम के लिए 3 घंटे से मेरे लिए रुका हुआ था, ठीक है मेरा 10 मिनट में काम हो गया। कॉलेज से बाहर आ चुके, लगता है फिर से अंदर जाऊँगा, चला जाऊँगा, नहीं गया तो और भी देखा जाएगा। ठीक है, इधर टी स्टॉल है जहाँ जा रहे हैं चाय पीने और फिर मिलता है। चाय पी के हमारा कार्यक्रम हो चुका है और ज़्यादा मैं वहाँ पे ब्लॉग कर नहीं पाया। अभी हम जा रहे हैं इस मच्छर के नोटबुक लेने, रफ नोटबुक लेने। परेशान कहाँ पे लेके जा रहा है? ऐसे है क्या तुम्हारे पास? अरे ये ना रोका घर बेच जाएगा, इतने में जूते बेच के तो नहीं लाया, घर बेच के तो नहीं लाया। अरे फोन 80,000 का, 80,000 का, इसमें तेरा पूरा घर जाएगा। और कॉलेज टूर दे क्या, आज फ्री है यार? नहीं नहीं है, कॉलेज टूर चाहिए? नहीं चाहिए, अगली बार नेक्स्ट टाइम सेकंड ईयर में। यार अभी कर देते यार, सेकंड ईयर हो नहीं हो नाला। इतना कीचड़ कैसे भाई, कुछ करो। अगर तुम एमएलएसयू कॉलेज में पढ़ते हो या अभी नहीं भी पढ़ते हो और कभी एडमिशन लेने वाले हो इन फ्यूचर, तो तुम्हें इस कॉलेज के बाद ये ऑटो जरूर मिलेगा। और जब भी धूप होती है हम इस ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं। और ऑटो किसका है? सामने देखो एक नारियल वाले भैया है, उनका ये ऑटो है और बैठने के लिए कुछ बोलते नहीं, बैठो कितने भी बैठो। ठीक है, ये ऑटो जस्ट गेट के पास में ही पड़ा रहता है, तो आओ बैठो मजे लो। यूनिवर्सिटी लेटर है, मैं कॉमर्स लेता हूं। तुम सब भाई साथ दोगे कुछ अच्छा करेंगे, देखो तुम्हारे जैसे ही डाउन टू अर्थ जरूर। ठीक है, ओके लो। कपड़े चेंज हो गए हैं, गीलों से सूखे कपड़े, मैं तो साला वही गीले कपड़े में सूख गए। मैं बोला आओ आओ, हाँ यही कर लो पहले ब्लॉग कंटेंट पहले चाहिए, बाकी सब बाद में। हमने सोचा बुलाते हैं कविश भाई को, कहाँ है तुमने बोला साइंस में हो, तो हमने सोचा रहने दो। साइंस में वो इस वाले गेट भी था मैं। ऑटो में तुम्हारा स्वागत है, बैठे क्या? आइए, या गीला है क्या? ये रोहित भाई ने थोड़ा सा रोहित भाई ने थोड़ा सा पिघला दिया है यहाँ पे, ये मत डालना क्या सूखा है या गीला, थोड़ा सा दिखाना। ये रोहित भाई ने थोड़ा सा मतलब, अरे
वैसे तो कॉलेज में बाथरूम है पर उनके नल थोड़े टूटे हुए हैं तो देख लेना जो भी ठीक करवाते हैं वो लोग। और बस आ चुकी है, घर पे चलते हैं, वो देखो वहाँ पे। निकलो आगे निकलो। चार बार आज चार बार इसी बस में आना जाना चार बार हम कर चुके हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के इधर, अभी जस्ट बस से उतरा हूँ और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी यहाँ थोड़ी बारिश नहीं आ रही है, मतलब पूरा साफ साफ है इलाका। जब मैं जा रहा था तब यहाँ पे बारिश आ रही थी पर अब नहीं आ रही है, तो बढ़िया है।